नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये सुंदर से रोज़ फ्लावर के साथ। तो मेरे गार्डन में देखिए बारिश बहुत हो रही है फ्रेंड, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ। देखिए अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। तो ये आज पिंक वाले मेरे दो रोज़ खिले हैं, तो इनको मैं सोची क्यों ना दिखा दूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी। और इधर ये मेरे अपराजिता, देखिए इतने सारे खिले हैं, सब नीचे की तरह फूल लटक रखे, सब पानी में भीग रखे हैं बिल्कुल। इतनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, कंटिन्यू हो रही है। और इधर मेरे ये सदाबहार है, देखिए सब सभी फूलों पे पानी पड़ रखे हैं। और बारिश के कारण देखिए फूलों की हालत कैसी ख़राब हो रखी है बिल्कुल। वहीं पे जो ये मैं कटिंग से लगाई थी अपना मैरीगोल्ड, तो इसमें काफ़ी अच्छी इसकी हेल्थ हो रही है फ्रेंड। और ये मेरा आलमंडा है, देखिए आज इसमें बहुत अच्छे फूल खिले हैं। ये देखिए फ्रेंड, सब एकदम बारिश में फूल भीग गए हैं। अभी हल्की हल्की बस बारिश थोड़ी बंद हुई है, तो हमने कहा कि ना थोड़ा संडे अपडेट दे दिया जाए। पिछली बार भी नहीं बना पाए थे बारिश की वजह से, और इस बार भी। और ये मेरे बालसम, पानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो प्लांट की कंडीशन देखी ख़राब होती जा रही है, फिर भी फ्लावरिंग हो ही रही है, रुक नहीं रही है। और ये मेरा गोमफेनो का है, इसमें तो खैर अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। और ये मेरे सनफ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, और ये कुछ फ्लावर ख़राब हो गए हैं तो इनको कट करना है वरना फंगस का भी डर है। और ये मेरे हैं कॉस्मोस, और ये मेरे बालसम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये जो मेरा सिंगल प्लांट से ग्रो हो रखा है, इसकी ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इसने जीनिया के प्लांट को भी दबा दिया है, देखिए इसमें इतने फूल खिल रहे हैं लेकिन इसको भी इसने पूरा दबा दिया है, इतना भूसी हो रखा है। देखिए नीचे इसकी स्टेम इतनी मोटी हो गई है, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इधर जीनिया तो मेरा बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है ये। तो बारिश में कुछ प्लांट अच्छे चल रहे हैं और कुछ प्लांट की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रखी है फ्रेंड। और ये मेरे देसी हैं कॉस्मोस, इसमें अभी कली नहीं बन रही है, बस ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। और इधर ये मैंने जो बल्ब से लगाई थी, शायद इसके बल्ब छोटे थे रजनीगंधा के, तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो देखिए कब तक होती है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट। और ये मेरा ओलियंडर है जो कटिंग से लगाई थी येल्लो वाला। और ये मेरे जटरूबा में भी फूल खिल रहे हैं, बारिश की वजह से सब फूल ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड। और चंपा में एक ही फूल खिला है, एक बर्ड्स बन रही है अब, अभी तो कोई भी बर्ड्स नहीं बन रही है, बस इतनी ही एक ही फ्लावरिंग हो रही है इसमें। और ये मेरा ग्लाडिया का फ्लावर है, तो जो भी फ्लावर ख़राब हो गए हैं वो सब मुझे कट करना है। तो अभी देखो अगर बारिश नहीं हुई तो कर दूँगी, वरना फिर कल करूँगी फ्रेंड। और फ्रेंड एक चीज़ दिखाना है, ये देखिए जो मेरा वेरीगेटेड हिबिस्कस है, इसमें ये देखिए ये इसमें कली आ रही है। मैं समझी ये क्या है, जा रही थी तोड़ने तो देखा तो कली है ये, और एक यहाँ भी आ रही है कली। तो देखिए इसमें भी फूल आते हैं, फूल आते हैं इसमें, मतलब मैं देखी हूँ, मतलब जहाँ ये प्लांट से मैं कटिंग लाई थी, तो इसमें ना मतलब रेड कलर के आते हैं फूल, थोड़े कम आते हैं, पर इसकी लीव्स बड़ी सुंदर लगती है, वेरीगेटेड है। तो अगर फूल नहीं भी आते हैं तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए मेरे ओलियंडर, ये मेरे वाइट वाला है, कुछ फूल तो इसी पे सूख के ये देखिए ख़राब हो गए हैं। और ये रेड वाला है, और ये मेरा पीच कलर वाला है। अब इसमें तो फ्लावरिंग अब होएगी, तो बहुत ज़बरदस्त फूल आते हैं इसमें, देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा है हिबिस्कस, कल इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिले थे, और इसमें देखिए आज तो कम ही खिले हैं, लेकिन बारिश में ना सब फूलों की कंडीशन एकदम ख़राब हो गई है, सब पर पानी है, पानी झड़ रहा है एकदम, ये देखिए फ्रेंड। लेकिन कल ही बहुत है, अभी जो ये कलियाँ खिलेंगी, कल तक ये कली और खिल जाएगी, ये जो है ना
इसमें देखिए ये जो खिलने वाली हैं, तो कल बहुत ज़्यादा फूल इसमें आएंगे, और ये रेड वाला है मेरे, इसमें भी कल बहुत ज़्यादा आएंगे। और इसे मैं बाल्टी में लगाई हूँ तो इसकी ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छी हो रखी है इस वाले प्लांट की। और ये मैं छोटे से ही पॉट में लगाई हूँ, ये 7-8 इंच का हुआ, लेकिन इसकी भी हाइट अच्छी है और फूल भी बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर हम ठीक से देखभाल करें ना, तो छोटे पॉट में भी हिबिस्कस पे अच्छी फ्लावरिंग होती है, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसे मैं फरवरी में रिपोर्ट करूँगी, किसी बड़े कंटेनर में डाल दूँगी। अभी मेरे पास कोई बड़ा पॉट नहीं है, पर इसे तो मैं, ये हमारी बाल्टी ख़राब हुई थी तो उसमें डाल दी थी, तो बहुत अच्छा फूल खिला। इसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, और ये देखिए मेरा हिबिस्कस एकदम नीचे लटक गया है। मुझे लग रहा है स्टेम भी एकदम बहुत पतली सी है। मैंने इसकी कटिंग लगाई है तो वो दोनों ही चल रही है, दिखाती हूँ वो कटिंग। ये जो मेरा जीनिया का पॉट था ना, इसी में लगाई हूँ वाइट हिबिस्कस की कटिंग, तो देखिए बहुत अच्छी चल गई है। और ये मेरा मैरीगोल्ड है, देखिए इसमें तो ये इसमें फूल खिलने ही वाले हैं। ये प्लांट बहुत घना हो गया होता लेकिन ना वो गिलहरी काट देती थी बार बार, तो जो जितने उसने प्लांट काटे वो सबकी मैंने कटिंग लगा दी हूँ, तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है उनकी भी। और इस बालसम में भी मेरी फ्लावरिंग शुरू हो गई है फ्रेंड। और ये मेरा पिंक कलर का हिबिस्कस की मैं कटिंग लगाई थी बहुत पहले, इसको शेयर भी की थी, इसमें फूल भी कई सारे आ चुके हैं, तो इसकी ग्रोथ देखिए बारिश के कारण बहुत अच्छी हुई है। और ये मेरे इम्पेशन में फूल खिल रहे हैं इक्के दुक्के, ये देखिए पानी कितना भर गया है, पता नहीं इस बार प्लांट बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतने सारे प्लांट है कोई कितना सेट में लगे। और कल तक मेरे रोज़ इतने बढ़िया थे, ये देखिए बारिश इतनी हुई है, ये नए नए फूल कैसे हो गए हैं, एकदम से ख़राब हो गए हैं। तो ज़्यादा पानी भी पेड़ पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती है। और इधर देखिए कितने सारे फूल गिर गए हैं और सारे ही फूल ख़राब हुए हैं, मुझे सबको एक एक करके कट करना पड़ेगा। और इधर मेरा गोमफेनों का है, देखिए सब पॉट में पानी भर गए हैं, तो मैं कम कर दूंगी सब पानी। और ये मेरा हमीलिया तो बहुत अच्छा चल रहा है, फूल भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड आज मेरे गार्डन में उतने फूल नहीं है दिखाने के लिए, बस थोड़े से ही खिले हैं। जैसा भी मेरा गार्डन रहता है मैं आप सबके साथ वैसा ही दिखाती हूँ। और ये रेड वाला फूल भी ख़राब हो गया और नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए बारिश होने का एक फ़ायदा तो होता है, लेकिन बहुत सी कलियाँ ख़राब हुई है, तो दू होता है देख के फूल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं फ्रेंड। इस बार मौसम भी कुछ अलग सा है, बारिश बंद होती इतनी उमस हो जाती है, उमस भरी गर्मी चल रही है एकदम। और मेरा गार्डन आप लोग के सामने जैसा है वैसा ही पेश करती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ। और इधर मेरे ये किनारे किनारे जो लगाई हूँ प्लांट वो सब है। तो इस तरह से फ्रेंड ये मेरे थोड़े से फ्लावर खिले हैं बस, तो यही मेरा गार्डन है। तो बस ये आज की वीडियो इतना ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और कुछ नहीं है मेरे गार्डन में दिखाने के लिए। सारे फ्लावर ख़राब हो चुके हैं, बहुत बारिश हुई है रात से और अभी भी कोई आसार नहीं है खुलने का। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।